Hello, my dear students. Welcome in my YouTube channel. Today, we are going to discuss a very important topic, which is related to a common defect of vision. So, astigmatism, in this video, we are totally going to focus on astigmatism. It is a type of eye defect. Okay. ये कैसा eye defect है? जो कि blurred image इसमें formation होगा. There will be a formation of blurred image. Blurred image will be formed as some part of object is focused. Blurred image क्यों बनेगी? क्योंकि कुछ part object का some part of object is focused and some part is not focused and some is not. दूसरी बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे इसका रीजन क्या हो सकता है, एस्टिगमेटिज्म का क्या रीजन है, ऐसा ये जो प्रॉब्लम है ये क्यों हो रही है? इसका रीजन है कि यहाँ पे अनइवन कर्वेचर हो जाता है कॉर्निया का, ड्यू टू अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया. और कॉर्निया के बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको काफी डिटेल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है. मैंने आपको बताया था कि कॉर्निया जो है वो लाइट, कितनी लाइट पास होनी, इट विल अलाउ द लाइट टू पास एंड इसके कर्वेचर की वजह से ये फोकसिंग में मदद करता है कॉर्निया, फोकसिंग एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना. तो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट पे प्रेजेंट होता है स्क्लेरा के. अगर आपको कॉर्निया के बारे में डिटेल देखना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोज को देख सकते हैं. यहाँ पे सिर्फ मैं फोकस कर रही हूँ कि एस्टिगमेटिज्म में अनइवन कर्वेचर होगा. आप इसको चाहें तो हाईलाइट कर लें, अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया. और यहाँ पे ब्लर्ड इमेज बनेगी, एक आई डिफेक्ट है. अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, इसको कैसे करेक्शन किया जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस को यूज करेंगे. आप लिख सकते हैं करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे. फॉर करेक्शन वी विल यूज सिलेंड्रिकल लेंसेज. सिलेंड्रिकल लेंसेज आर यूज. एस्टिगमेटिज्म के करेक्शन के लिए हम लोग यूज करेंगे सिलेंड्रिकल लेंस. सो दिस इज ऑल अबाउट एस्टिगमेटिज्म व्हिच इज अ टाइप ऑफ आई डिफेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, आई होप वी विल मीट सून विद अ न्यू वीडियो. थैंक यू वेरी मच.